Hey guys, welcome back to my channel. This is Shrishti. आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी फर्स्ट ईयर BHMS के बारे में. इस वीडियो को मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूंगी अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट. जैसा कि फर्स्ट ईयर BHMS में मेनली आपको थ्री सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्मेसी. इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स के आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होंगे. तो और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ऑर्गनॉन एंड मटेरिया मेड का, पर उसके एग्जाम नहीं होंगे तो अभी मैं उसके बारे में उतना बात नहीं करूंगी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में. तो एनाटॉमी में आपको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है. ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा नया होगा क्योंकि इससे पहले जो 12th तक की आपने स्टडी की उसमें आपने बॉडी फंक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ा, बॉडी स्ट्रक्चर्स को उतना डीपली नहीं पढ़ा. बट यहाँ पे मींस एनाटॉमी में आप इसको डीपली पढ़ोगे. और आपके जितने भी सीनियर्स होंगे और प्रोफेसर होंगे वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा फोकस एनाटॉमी पे ही करो. और ये सही भी है क्योंकि एनाटॉमी ही आपकी बेस होगी. अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी होगी तो आगे की स्टडी आपके लिए इजी हो जाएगी. ओके, तो एनाटॉमी की जो लेक्चर्स होती हैं, मींस जो थ्योरी क्लासेस होती हैं, वो लेक्चर हॉल में होती है. और इसकी जो प्रैक्टिकल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है. लाइक हिस्टोलॉजी की डिपार्टमेंट होती है. हिस्टोलॉजी में आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स दिखाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के. लाइक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ हार्ट, लंग, इन सब की स्लाइड्स दिखाई जाती है. और आप चाहो तो इसकी पिक क्लिक कर सकते हो क्योंकि ये वाइवा और एग्जाम में काफी हेल्पफुल होती है. मे बी आपको हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में उतना मजा ना आए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में आपको काफी मजा आने वाला है. दूसरी इसकी एम्ब्रियोलॉजी की डिपार्टमेंट होती है, वहां पे आपको कुछ स्पेसिमेन वगैरह दिखाए जाएंगे. और फिर इसकी जनरल एनाटॉमी की डिपार्टमेंट होती है. जनरल एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में आपको मसल्स, बोन, इन सब के बारे में बताया जाएगा. और बोन मींस ऑस्टियोलॉजी की जब प्रैक्टिकल होती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काफी एक्साइटेड होते हैं हम लोग क्योंकि पहली बार हम ओरिजिनल बोन देख रहे होते हैं. मींस ह्यूमरस, स्कल, ये सब हमारे हाथ में होती है और हमारे टीचर्स हमें बताते हैं उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन. मींस कि वो हमारे बॉडी में कैसे सिचुएटेड है, किस साइड का बोन है, राइट, लेफ्ट, सरफेस, सब कुछ बताते हैं. तो वो काफी एक्साइटिंग होता है कि पहली बार हम ओरिजिनल बोन हमारे हाथ में होता है, तो वो काफी मेमोरेबल होता है. फिर जो फर्स्ट ईयर BHMS की सबसे मेमोरेबल चीज जो बनती है वो बनती है डाइसेक्शन हॉल में. सो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट डाइसेक्शन का डिपार्टमेंट होता है, डाइसेक्शन हॉल होती है. वहां पे आपको कैडवर मिलता है, मींस डेड बॉडी मिलती है और उसको जो प्रोफेसर होते हैं वो डाइसेक्ट करते हैं. मींस कट करके आपको दिखाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, नर्व, आर्टरी, सब कुछ कैसे सिचुएटेड है, उसका कौन सा एरिया है. क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो जब तक आप उसको देखोगे नहीं ना तो वो उतने दिन तक याद नहीं रहेगा. विजुअल इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालती है. हम जब उसे देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी मेमोरीज बनेगी, बहुत सारे लोग बेहोश होंगे क्योंकि फॉर्मेलिन की गंध काफी तेज होती है, बहुत कुछ होगा. मैं सब कुछ बता के आपकी वो एक्साइटमेंट और वो जो सस्पेंस है उसको भंग नहीं करना चाहती. आप खुद ही मेमोरीज बनाना. एंड अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की. तो फिजियोलॉजी में आपको बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा 12th से पहले, बट यहाँ पे एडवांस लेवल में पढ़ना होता है. हमारे फिजियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री भी एडेड है जो कि MBBS में एक अलग सब्जेक्ट ही है, बट हमारे में साथ में है. फिजियोलॉजी की जो थ्योरी की क्लासेस होती है वो लेक्चर हॉल में होती है और इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो दो डिपार्टमेंट होता है प्रैक्टिकल का. एक फिजियोलॉजी लैब होती है, एक बायोकेमिस्ट्री लैब होती है. फिजियोलॉजी की लैब में आपको अपना खून देना पड़ेगा. मींस कि आप अपने ही रिंग फिंगर को प्रिक करके
मीन्स उससे खून निकाल के आप स्लाइड्स में दोगे, WBC काउंट करोगे, RBC काउंट करोगे हिमाटोलॉजी की प्रैक्टिकल में, तो ये सब काफी स्कैरी भी होता है और काफी नया नया भी होता है. सो मेमोरीज बनती है इन सब चीजों से. और फिर इसी में आपको यूरोलॉजी भी होगी, मीन्स यूरिन टेस्ट भी आपको करना होगा. वो थोड़ा ऑफवर्ड होता है शुरू शुरू में, बट डोंट वरी, आप सबसे फेमिलियर हो जाने वाले हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये नेक्स्ट लेवल इसकी सब की जाती है. बहुत सारे टेस्ट होंगे आपको, तो फिर कुछ ऑफवर्डनेस नहीं होती फिर. ओके, एंड इसकी फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री में आपको बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे. तो जैसे कि इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, ये सारी चीजें जो आप थोड़ा थोड़ा पहले से भी जानते होंगे. तो आपको थ्योरी की क्लासेस में भी उतना मजा ना आए, बट हाँ प्रैक्टिकल में इसके भी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसको नहीं पसंद. तो वहां पे भी आप मॉलिश टेस्ट करोगे, पर्पल रिंग बनेगा. सो ये सब चीजें देखने में काफी मजा आता है. ओके, तो अब बात करते हैं फार्मेसी की. तो फार्मेसी में आपको सिखाया जाता है कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसे होती है. सो इसकी थ्योरी की क्लासेस लेक्चर हॉल में होगी, और प्रैक्टिकल जो होगा वो प्रैक्टिकल इसका फार्मेसी का डिपार्टमेंट पे होगा. इसके प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप अपने हाथों से मेडिसिन बना रहे होते हो, मदर टिंचर बना रहे होते हो, स्ट्रोक्स मार रहे होते हो, उसको पोटेंटाइज कर रहे होते हो, डिसमल्स एंड डिसमल्स, 50 मिलीस्मल, और काफी ये सारी चीजें काफी नई नई होती हैं. और डेफिनेटली आपको भी बहुत मजा आएगा ये सारी चीजें करने में, क्योंकि हमें भी बहुत आया था. और फार्मेसी में ही हमारे फर्स्ट ईयर BHMS की दूसरी मेमोरेबल चीज होती है, वो है एजुकेशनल टूर. यहाँ पे आपका दो एजुकेशनल टूर तो होना ही होना है. पहला आपको बोटेनिकल गार्डन ले जाया जाएगा वहां पे, क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो कई सारी प्लांट किंगडम से बनी है. तो उसके लिए आपको बोटेनिकल गार्डन ले जाया जाता है, और वहां पे आप कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को, सीजर भी लेकर जाना, उसको कट करते हो, कट करके कॉपी में डाल के या फिर पेपर में जहां भी डाल के घर ले आते हो, और उसके बाद उसकी हर्बेरियम बनती है, और आपको उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ना भी होता है. सो ये सब ये एक टूर होता है. दूसरा टूर जो होता है वो होता है फार्माक्यूटिकल कंपनी की. बहुत सारी होम्योपैथी की फार्माक्यूटिकल कंपनीज जो होती है वो हमारे कॉलेज को इन्वाइट भेजती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को उनके फार्माक्यूटिकल कंपनीज में भेजें, और फिर वो हमें दिखाएंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे मेडिसिन कैसे प्रिपेयर्ड होती है, जो कि फार्मेसी में पढ़ना भी है हमें, क्योंकि सारी चीज तो हमारी लैब में हो नहीं सकती. सो दूसरा एजुकेशनल टूर वो होता है, और वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो फाइनली कि आपकी जो मेडिसिन हो रही है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर्ड हो रही है. और ये इसलिए भी थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि हमारे कॉलेज का पहला टूर होता है, और हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, बॉन्डिंग्स बन रही होती है. सो ये काफी मेमोरेबल होता है ये. सो दैट्स इट. और दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने बताया मटेरिया मेडिकन, ऑर्गेनॉन. तो उसके सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लासेस होती हैं, तो उसके सिर्फ थ्योरी चलती है, प्रैक्टिकल्स उतने चलते नहीं है. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूंगी. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.